18वीं लोकसभा के लिए राजस्थान के कोटा से तीसरी बार चुनकर आए बीजेपी सांसद ओम बिरला को ध्वनि मत से अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है, लेकिन अभी भी लोकसभा के डिप्टी स्पीकर यानी उपसभापति पद को लेकर राजनीति गर्म है। बेहतर मजबूती के साथ सदन के अंदर दाखिल विपक्षी ब्लॉक इंडिया डिप्टी स्पीकर का पद हासिल करने की भरसक कोशिश कर रहा है। कांग्रेस के कई नेता खुले तौर पर 18वीं लोकसभा में डिप्टी स्पीकर के पद की मांग कर चुके हैं। विपक्ष ने स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा किया था। पिछली बार यानी 17वीं लोकसभा के कार्यकाल में लोकसभा में कोई भी डिप्टी स्पीकर नहीं था। हालांकि 16वीं लोकसभा के कार्यकाल में बीजेपी के सहयोगी AIADMK के एम थंबीदुरई डिप्टी स्पीकर बनाए गए थे। वहीं 1990 से 2014 तक लगातार उपसभापति का पद विपक्ष के पास रहा। आखिर लोकसभा के डिप्टी स्पीकर के पद की क्या अहमियत है? विपक्ष इस पद की मांग पर इतनी शिद्दत से क्यों डटा हुआ है, आइए बताते हैं। विपक्ष डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर दावा कर रहा है कि लोकतंत्र में डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को मिलता रहा है। आखिर इस पद को लेकर संविधान क्या कहता है, सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर संविधान के आर्टिकल 95(1) में नियम है। इसके अनुसार अगर लोकसभा स्पीकर का पद खाली है तो ऐसे में डिप्टी स्पीकर अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करता है। सदन की अध्यक्षता करते समय डिप्टी स्पीकर के पास अध्यक्ष के समान सामान्य शक्तियां होती हैं। नियमों में स्पीकर के सभी संदर्भ उस समय के लिए डिप्टी स्पीकर के संदर्भ माने जाते हैं जब वो सदन की अध्यक्षता करता है। वहीं संविधान के आर्टिकल 93 में कहा गया है कि लोकसभा में जल्द से जल्द दो सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाना चाहिए। संविधान के आर्टिकल 178 में राज्य विधानसभाओं में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए इसी तरह का प्रावधान है। जिस तरह स्पीकर का चुनाव होता है वही नियम डिप्टी स्पीकर के चुनाव के लिए भी हैं। डिप्टी स्पीकर का चुनाव सदन के सदस्य करते हैं। आमतौर पर लोकसभा और विधानसभा में नए सदन से पहले सत्र में स्पीकर को चुने जाने की प्रथा रही है। सांसदों की शपथ के बाद तीसरे दिन स्पीकर चुना जाता रहा है। वहीं दूसरे सत्र में डिप्टी स्पीकर का चुनाव होता है। लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का चुनाव लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 8 द्वारा होता है। नियम 8 के अनुसार चुनाव ऐसी तिथि पर होगा जिसे अध्यक्ष तय करेंगे। डिप्टी स्पीकर का चुनाव तब होता है जब उनके नाम का प्रस्ताव पारित हो जाता है। एक बार चुने जाने के बाद डिप्टी स्पीकर आम सदन के भंग होने तक के पद पर बने रहते हैं। पिछली लोकसभा में कोई भी डिप्टी स्पीकर नहीं था, वहीं इस बार विपक्ष इसकी पुरजोर मांग कर रहा है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि क्या लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद अनिवार्य होता है। दरअसल संविधान में इस पद को लेकर कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। यही वजह है कि सरकार डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति को टालती रहती है। हालांकि जानकारों का कहना है कि आर्टिकल 93 और 178 में होगा और जितना जल्दी हो सके शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ये बताता है कि लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद न सिर्फ जरूरी है बल्कि इसकी नियुक्ति जल्द से जल्द होनी चाहिए। विपक्ष डिप्टी स्पीकर को लेकर लगातार मांग कर रहा है। वहीं बीजेपी की तरफ से विपक्ष की इस मांग को बेबुनियाद बताया जा रहा है। लेकिन क्या वाकई में डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देना जरूरी है? इसका जवाब नहीं में है। ऐसा कोई नियम तो नहीं है, लेकिन आम तौर पर विपक्ष का डिप्टी स्पीकर बनाया जाता रहा है। उदाहरण के लिए कांग्रेस के नेतृत्व वाली डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के दोनों कार्यकालों में 2004 से 2009 और 2009 से 2014 तक डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के पास रहा। इसके अलावा 1999 से 2004 तक जब अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री थे तब कांग्रेस की तरफ से डिप्टी स्पीकर बनाया गया था। कई सरकारें ऐसी भी रही हैं हमारे देश में जब या तो डिप्टी स्पीकर नहीं बनाए गए और अगर बनाए गए तो अपने ही सहयोगी दलों के।
1952 से 1969 तक पहले चार डिप्टी स्पीकर सत्तारूढ़ कांग्रेस से थे। AIADMK के एम थंबीदुरई पहली बार 8वीं लोकसभा में उपसभापति बने थे। ऐसे में विपक्ष का ये दावा करना कि डिप्टी स्पीकर का पद उन्हें ही मिलना चाहिए, इसका ना कोई नियम है और ना ही कोई ठोस आधार। इसके अलावा जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं वहां भी डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को नहीं दिया गया है, जबकि विधानसभा और लोकसभा के लिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नियम एक जैसे ही हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम मोहम्मद खुशनूर खान है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी के साथ। बेहद शुक्रिया आपका, नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।